निकाल के दिखाया था, इसके नियम भी बताए थे कैसे इसको किया जाता है। आमेर बाद में करना, तो आप इसको समझ लीजिए कि लासा और मासा पर आधारित प्रश्न हम कैसे हल करेंगे। यदि ये अगला हमारा सवाल था, ये 14 और 21, इसमें ये पूछा गया है कि 14 और 21 का लासा कितना होगा, 14 और 21 का मासा कितना होगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये, हम पहले इसको लासा को ज्ञात करेंगे, यानी लघुत्तम समापवाच जिसे बोलते हैं। तो हमने लासा को जब ज्ञात किया तो सबसे छोटी संख्या हमने जो है उससे, वैसे तो एक होती है लेकिन हम यहाँ से 2 से इसको स्टार्ट करते हैं। तो 2 से हमने क्या, 2 सत्ते 14, और ये 21 नहीं कट रहा है, इसको ऐसे उतार दिया। फिर हमने 3 से इसको किया, फिर 7 से, अंत में ये 1-1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके आपस में, उनको आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा किया तो 2 6 6 7 42 आ गया, यानी जो हमारा लासा निकल रहा है वो 42 निकल रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने अब मासा निकाला है, तो मासा में क्या होता है, जो हमारी छोटी संख्या है उससे हम भाग देते हैं 21 में। तो ये पहले 1 बार गया, फिर ये यहाँ पे 7 आ गया, तो 14 उतार दिए इधर, तो 7 9 14। तो अंतिम संख्या जो इसने इसको काटा है वो है 7। तो जो आगे में संख्या, जो इस संख्या को काट देगी वही हमारा मासा होता है, जिसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं या एससीएम कहते हैं, या इसको एलसीएम कहते हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है क्या इनके दोनों के गुणनफल और इनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, 14 और 21 में गुणा कर लेंगे, फिर जो मासा आया है और लासा आया है उसको आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ हमने करके देखा दोनों तरफ इक्वल आ गया, इसका गुणनफल 294, इसका भी गुणनफल 294, इसका मतलब ये सही है। इसी तरीके से दूसरा आपने सवाल आपको हल करवाया था, ये इसी तरीके से ये लगेगा। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि यहाँ पर आपको मासा भी ज्ञात करना है, लासा भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब लासा जब ज्ञात करोगे तो आप इसी तरीके से करेंगे ऐसे, और जब मासा ज्ञात करेंगे तो इस डिवीजन मेथड से आप उसको करेंगे। अगर कोई सवाल ऐसा आ जाता है जिसमें दिया गया है कि संख्याओं का गुणनफल इतना है और मासा इतना दिया गया, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना है, ये वाला, 2 संख्याओं का मासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि संख्याओं का गुणनफल वहां दिया होना चाहिए और मासा भी दिया होना चाहिए। तो आप इस तरीके से इसमें दिया है 6400 का इसका गुणनफल और मासा का 16, तो आप क्या करेंगे 16 को इससे डिवाइड कर देंगे, 16 64 और 2 0, तो इस ये संख्या यहाँ पर कितनी आ गई, 400 आ गई। तो इस तरीके से ये फार्मूला आप याद करें, इससे आप इसको लगा सकते हैं। आप बताइए समझ में आया कि नहीं ये सबके, हाँ ना बोलो, जहां पे समझ में नहीं आया पूछिए, सबक सबके समझ पूछेंगे अभी हम, समझ में आया कि अब तो कोई नहीं बोल रहा, जब बात नहीं हुई पूछेंगे पूछेंगे, जो हमने कह दिया तभी नहीं बोल रहे। बताइए कितने लोगों ने समझ में, हाँ भाव, और समझ में कितने लोगों के आ गए, अरे हाथ ही नहीं बनाए, मतलब कितने लोगों अभी समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया पूछो, कर